देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज, जहां दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के मैनाटांड से आ रही है, जहां मैनाटांड प्रखंड अंतर्गत धोकराहा में रामकृष्ण विद्या निकेतन में शिक्षक दिवस पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि इंजीनियर लाल बाबू यादव ने फीता काट कर किया। वही उन्होंने बताया कि शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। शिक्षकों को समर्पित यह दिन खास तौर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के सम्मान में मनाया जाता है, जिनका जन्म 5 सितंबर साल 1888 में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन के 40 साल एक शिक्षक के रूप में देश को समर्पित किए थे। आपको बताते चले कि यह विद्यालय विगत 22 वर्षों से ग्रामीण बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का कार्य कर रही है। वही प्रधानाध्यापक ने बताया कि बच्चों में सत्य, अहिंसा, त्याग और बलिदान का भाव जागृत करने के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए शिक्षा दी जाती है। इस दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर लोगों को भाव विभोर कर दिया। बच्चों के मनमोहन कार्यक्रम से लोगों ने खूब वाहवाही लूटी तथा उनके उज्जवल भविष्य व सुनहरे भविष्य की कामना की। इस कार्यक्रम के दौरान शिक्षक आलोक कुमार, सोनू कुमार श्रीवास्तव, लाल बाबू शाह, निशांत कुमार, अभिषेक कुमार, मनीषा कुमारी, प्रिया कुमारी, सुप्रिया कुमारी, पारुल कुमारी, करिश्मा कुमारी, अनीता कुमारी, रेखा कुमारी समेत अन्य शिक्षक गण मौजूद रहे। रिपोर्टर शशिकांत गिरी की खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं राम कृष्ण विद्या निकेतन मैनाटांड धोकराहा। यहाँ जो स्कूल है इसमें काफी जो टीचर लोग हैं, शिक्षिका लोग हैं और शिक्षक लोग हैं, काफी संख्या में आप देख रहे हैं, आप लाइव तस्वीर देख रहे हैं, बिल्कुल यहाँ तक है। चलिए आज जो शिक्षक दिवस है इसके बारे में इन लोग से कुछ जानकारियाँ लेते हैं और क्या ये लोग जानकारी दे रहे हैं। एक और शिक्षिका है, इनसे मिलते हैं और बात करते हैं। क्या नाम है? प्रिया कुमारी। अपना पूरा परिचय। प्रिया कुमारी दास, मैं रामकृष्ण विद्या निकेतन धोकराहा में शिक्षिका हूँ। मैं यहाँ के बच्चों को पढ़ाती हूँ। बहुत अच्छी बात है, बच्चों को पढ़ाती है, लेकिन आज जो शिक्षक दिवस है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आज हम शिक्षक दिवस पे यही कहना चाहते हैं कि हमारे जो भूतपूर्व राष्ट्रपति है उनके जन्म दिवस को हम लोग मनाते हैं। आज यहाँ जो चीफ गेस्ट है उनसे मिलते हैं और उनके परिचय जानते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम लाल बाबू प्रसाद यादव हुआ और मैं पेशे से इंजीनियर हूँ। ग्रुप में मैं रामपुर तक बाद शिक्षा लोग लिए सरपंच भी रह चुका। अभी आप यहाँ प्रोग्राम में उपस्थित हुए हैं, इसके बारे में आज शिक्षक दिवस है, इसके बारे में कुछ शब्द आप होगी? अरे आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैंने बच्चों के द्वारा शिक्षक को नमन किया जाता है और कितना भी बच्चे सम्मान दे वो शिक्षकों का कम ही होगा उनके योगदान के लिए। मेरा नाम गोविंद कुमार राय हुआ, मैं रामकृष्ण विद्या निकेतन के अध्यापक के रूप में विगत 20-22 सालों से मैं कार्यरत हूँ और आगे भी उम्मीद है जब तक जीवन रहेगी मैं बच्चों के बीच में ही प्रसन्न रहता हूँ और उसी के उम्मीद में अपनी उम्मीद सजे रखता हूँ। बड़ी खुशी की बात है, इस जगह पे देखा जाए ये गांव एक क्षेत्र है, यहाँ पे आप इतना अच्छा सराहनीय कार्य किए हैं, इसके लिए सर आपके बधाई हो। लेकिन सर इस शिक्षक दिवस के बारे में कुछ शब्द जनता जानना चाहती है सर आपके। एक्चुअली शिक्षक दिवस को भारतीय परंपरा में गुरु पर्व के रूप में जाना जाता है, किंतु गुरु पर्व जो है बैसाख के पहले तारीख को गुरु पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, परंतु यह विद्यालय में और शिक्षण संस्थान में जो शिक्षक दिवस हम बच्चे द्वारा शिक्षकों के साथ और अभिभावक के साथ मनाते हैं, इसका परिपाटी हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर को उनके विद्यार्थियों द्वारा आग्रह किए जाने पर उनके जन्म दिवस पर पूरे भारत के शिक्षकों के सम्मान में यह शिक्षक दिवस मनाते आया जा रहा है। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार, जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा? जी हाँ, आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक, जहाँ आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे उपचार की सुविधा।
जहां कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहां जोड़ दर्द, साइटिका, चोट, सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा, बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना, जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का उत्तम इलाज, महिलाओं के बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफ़ेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, गांठ हो जाना, बांझपन एवं पथरी के मरीज का 100% सफल इलाज। गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नारायणापुर वार्ड नंबर 10 SN पब्लिक स्कूल के समीप।